माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम गए थे जफरवाल वहाँ से ये बेडशीट लेके आए थे और ये मैच कर रही है वो कलर जो बैक पे है उसके साथ भी और जो साइड पे है उसके साथ भी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बेडशीट इधर है और एक पुराने बेड पे भी हमने लगाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी पुराना बेड, माशाल्लाह। तो इसका कलर भी तकरीबन वो सिल्वर के साथ मैच करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ब्लू ब्लू वो दीवार के साथ भी, वहाँ से बच्चों ने गंदा कर दिया दीवार को। रात को ये इन्वर्टर पे चला गया, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चार्ज हो रहा था, अभी मैं सोलर बंद करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समझ नहीं आती रात को ये वापडा पे चार्ज नहीं होता। अभी याद आया दूसरे घर से आटा, आप लास्ट वीडियो में मैं लेके आया था तो थोड़ा सा था तो वो तो ख़त्म हो गया, तो इसलिए दाने जो हैं वो लेके आने हैं, फिर उसको उनको सुखाना भी पड़ना है, इसलिए वो अभी ले आएंगे। और अभी क्या पहले से लेट है। और ये दवाई मैं लेके आया था, सुसरी जो है वो चावलों में भी और गंदम के दानों में भी है, तो ये दवाई उसमें डाल देंगे और आपको तरीका भी बताता हूँ, शायद आपको तो पता होगा लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे। और ये जो शीशी है ना, जब भी लें ये शीशी लें, इसका ये है कि ये ख़राब नहीं होती। इसमें ऐसे दो चार जो मिलती हैं तो वो अगर एक दो दिन डिले हो जाए ना तो वो शापर में बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती हैं। ये जी दवाई एलुमिनियम फॉस्फेट, इसका ऐसे करना है कि कपड़ा लेना है, इसको काटेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आइडिया से काटने लगा हूँ, फिर बाद में देखेंगे कि इतना काफ़ी है तो उतना उस हिसाब से काट लेंगे। और इस दवाई से स्मेल जो है ना वो इतनी ज़्यादा आती है कि कैमरामैन दूर चला गया मुझसे। ये सील से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये गोलियां भी, ओह सही है, कपड़े का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ये पांच, ये छह और सात, सारे इसकी स्मेल ही सारा काम करती है, इसलिए कपड़े में बांधते हैं कि कपड़े से स्मेल तो निकलेगी ना, पॉलीथीन वगैरह हो तो फिर स्मेल नहीं बाहर आएगी। अब स्मेल आना शुरू हो गई है। ये चावल और इसके अंदर मरी हुई सुसरी है मेरे ख्याल से, वो ब्लैक ब्लैक जो किनारों पे दिख रही है ना, ब्लैक ब्लैक दाने, ये सुसरी है। इसमें जाएंगी हमारी दो पुड़ियाँ, इधर और एक इधर, कहाँ गई वो पड़ी हुई है। तो क्या होता है कि ये दवाई जो है ना गैस जनरेट करती है, मेरे ख्याल से इससे गैस निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो हैं वो मर जाते हैं। अब गंदम की बारी है, लेकिन इस पर तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे भी दो आ गए हैं। इसमें भी दो, अंदर गर्मी बहुत है। दे मोबाइल इन्हें सीख जो निकले। अल्लाह अकबर। और इसमें तो बहुत ज़्यादा सुसरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनमें दबा देना।
ये जिद्दा में आप भी देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो गया अंदर से, जो ऊपर ऊपर गद्दा है वो सारी की सारी खाली कर दी है और जो नीचे है ना वो सही होगी। अभी दवाई रखी है, बाकी दो या तीन गोलियां बची हैं वो भी इसी में रखते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अभी कुछ एक गोली जो है ना ये कैन है नीचे यहाँ से अंदर डाल देंगे इंशाल्लाह। ये वाली कनक गंदम सही है नीचे से, सुसरी जो है ना ज़्यादा नुकसान उसने ऊपर वाली गंदम को ही पहुँचाया, लेकिन नीचे भी है। यहाँ पे दो गोलियाँ डालेंगे क्योंकि तीन ऊपर डाली हैं, चार ऊपर हो जाएंगी दो नीचे हो जाएंगी। ओके हो गया। ये थोड़े में गंदम पैक हो चुकी है, इसे लेके जाना नए घर, वहाँ पे फिर घर वाले सुखा लेंगे और फिर इसको इन्हें पहुँचाएंगे चक्की पे इंशाल्लाह। ऊपर मौसम जो है फिर से बादल छाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दाने मैंने यहाँ पे लाके फेंके थे, यहाँ से उठाएंगे क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। उठ जाओ जी। अल्लाह अकबर जी। हाँ माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र होने वाली है इमरान भाई की, अभी उन्हीं का वेट कर रहा था तो वो आ भी गए हैं, बाहर निकला हूँ तो वो आ गए हैं, मैं कहीं जाने लगा था। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। और सुनाओ? शुक्र अल्लाह भाई, तुम सुनाओ? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ए यूपीएस है या डिवाइस है? ए यूपीएस है, जरा दूसरे कार लगे। ठीक है। अब तो खैर वापडा नहीं आ रही, वापडा चली गई हुई है। अभी वापडा चाहिए थी, ये देखा ऐसे ब्लिंक करती है। ओ तू सोलर बंद करो, सोलर होने होने ब्लिंक करती है फिर स्टेबल रहती है, फिर ये वापडा गायब हो जाती है। अभी वापडा भी आ चुकी है, अभी अभी माशाल्लाह। हम भाई ये वाली भी डिवाइस जो है वो लेके आए हैं और अभी वोल्टेज चेक करेंगे। जो वापडा से आ रहे हैं उनमें तो कोई मसला नहीं है, तो इससे आप वोल्टेज को ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी अगर 200 वोल्टेज पीछे से आ रहे हैं तो आप 150 भी इसको कर सकते हैं। ये ऊपर बना हुआ है डायग्राम, 25 वोल्टेज तक कर सकते हैं। इसमें लाइट आ चुकी है और आगे हमने आउटपुट लगानी है। वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं। यूपीएस में करंट आ रहा है लेकिन वो टावर शो नहीं करा रही, चार्ज नहीं उससे बैटरियां हो रही ना ही वहाँ पे शो हो रहा है। वैसे करंट यहाँ से ऑफ करें तो वो ऑफ हो जाता है, यहाँ से ऑन करें तो वो ऑन हो जाता है। वाह अब स्टेबलाइजर लगाया ना पीछे तो वो टावर आ गई है वाला। डेम ते काम नहीं करता? डेम ते पहले करता है वैसे। 170 तो उत्ते काम कर दे रहे नहीं कर 200 दे नहीं कर दे 170 पांच दे भी नहीं करता हूं तो नहीं करता वैसे 170 बिजली हो तो करता है उस पे थले फिर एरर देने लग पंदा लेकिन चार्ज फिर भी करता चार्जिंग शो करता है देखा ना उन्हें तो चार्जिंग करना हमें हम डीक लगो फिर ब्लिंक करता है टावर मैं चिप देख लेता हूं इधर चला फिट कर दे सही हां जी बिल्कुल। अच्छा दो दो इंच दे ते दो ही डेढ़ इंच दे खड़पेचे। अभी जुगाड़ होने लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। इतने दिनों का फिल्टर जमा करवाया हुआ था शान भाई के पास तो आज हम चेंज करवाएंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं जो पुराना फिल्टर है उसकी हालत क्या हो गई है। तब तो मुझे काला काला लगा था जब इसकी मैंने ट्यूनिंग करवाई थी ना, तब उन्होंने निकाला था, उनके पास था नहीं तो उन्होंने बस हवा शवा मार के उन्होंने कहा कि इसका चेंज ज़रूर करवा लीजिएगा, तो मैंने कहा मेरे पास बैकअप है तो वो वाला मैं चेंज करवा लूँगा, अभी फिर करवा लेना चाहिए टाइम पे। और वैसे भी गाड़ी काफ़ी मिसिंग करती है। क्यों शान भाई
ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਲਿਆ ਫਰਕ ये वाकई में मैंने कहा था काला हो गया हुआ है तो वाकई में काला हो गया हुआ है। ये देखे नया, वाह जी वाह कितना फर्क है, फर्क है बढ़ी है साड़ा पहला थोड़ी मार के तोड़ दे ले चढ़ेगा तो पता होगा। पता जरा चोर लग रहा है जिन्हें वीडियो बना लिया नहीं तो उन चीजा सीख लगे मौसम जो है वो बादल वाला बना हुआ है, बादलों वाला बना हुआ, बारिश कभी भी आ सकती है, हवा चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जी दाने हमारे सूख गए हैं, मैंने बाइक के पीछे रखे हुए हैं तो इन्हें पिसवाने के लिए चक्की पे लेके जा रहा हूँ। भाई अजीम के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, मतलब सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।